आज हम बना रहे हैं बिहार की फेमस सब्जी नैनुआ, जिसे कि बहुत जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ इसको नैनुआ ही बोलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले धो के इसके ऊपर का जो स्किन है थोड़ा थोड़ा हटा देना है, और इसके साथ हमें डालना है 2 प्याज और ये 2 हरी मिर्च है, आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और नैनुआ को सबसे पहले हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड सीड्स भी डाला है 1/2 चम्मच के करीब, 4 से 5 करी पत्ता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली कट करके डाल दें और थोड़ी सी हींग। जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज, प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई कर ले तेल के साथ, साथ में डाल दें कटे हुए ये नैनुआ और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में नमक और हल्दी भी ऐड कर देंगे और इसे ढक के हम इसे अच्छे से कुक होने तक पकाएंगे। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये पानी रिलीज करता है, तो इसीलिए आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएं, अच्छे से पकाने पे टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये लास्ट में हमारा सब्जी यहाँ पर रेडी है, आप इसे रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला और अच्छे से मिक्स किया, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सब्जी रेडी है। तो आप भी बनाइए सेम तरीका से और इंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।